पिछला वीडियो हम कैलकुलेशन के ऊपर डाले थे, लुम्का वेस्टेज कैच कर वेस्ट कैसे निकालते हैं, और उस वीडियो में हमें बहुत सारे व्यू भी आए और बहुत लोगों का रिस्पॉन्स भी मिला। तो उससे हमें एनकरेज ऐसा मिला कि हम सोचे कि चलो आने वाले वीडियो में और भी बढ़िया बढ़िया टॉपिक डालें। तो आज के जो टॉपिक है यान स्ट्रेंथ के ऊपर है, CSP ऑफ यान। मेरा हेडिंग दिया हूँ, आप देख पा रहे होंगे, CSP ऑफ यान या तो यान स्ट्रेंथ। तो आप सभी को पता है जब हम स्पिनिंग में क्या करते थे, जीनिंग या तो रॉ कॉटन को ले जाते थे, जीनिंग के प्रोसेस होते हुए उसको फॉरेन मटेरियल्स इम्प्योरिटीज और सीड कोट्स कॉटन जो ट्री का जो फ्ली लीव्स वगैरह या तो उसका जो मॉइस्चर का ये होता है वो सब मेंटेन करके हम जीनिंग से प्रोसेस करते थे रॉ कॉटन को। तो उसी कॉटन को फिर ले आते थे स्पिनिंग यूनिट में, जहाँ ब्लू रूम कार्डिंग ड्रॉप फ्रेम स्पीड फ्रेम और रिंग फ्रेम होते हुए फिर हम धागे का जो काउंट के हिसाब से वो निकाल देते हैं, कितने काउंट का धागा बनाना है, कितना TPI रखना है, कितना TM में चलाना है, और उस क्वालिटी का धागे को हम कौन सा एंड यूज क्या रखें और उसमें धागे का क्वालिटी क्या क्या रखें। वैसे ही तो उसी क्वालिटी के फॉर क्वालिटी पॉइंट आज का जो टॉपिक है यान स्ट्रेंथ, तो उसी चीज़ के ऊपर है। तो यान स्ट्रेंथ क्या क्या होता है, यान स्ट्रेंथ को हम एक तो टर्म होता है CSP के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, जो CSP में अगर ज़्यादा रहेगा क्या होगा, कम रहेगा क्या होगा, और CSP को इम्प्रोवाइज कैसे करते हैं, और CSP का पूरा डिटेल्स आज ये वीडियो में रहेगा। तो आज तक ने आप लोग बढ़िया सपोर्ट दिए हमारे वीडियो ऐसे ही चलता रहे, हम भी सोच रहे हैं आप लोग जितना इसको फॉरवर्ड करें, जितना इसको लाइक करें, जितना लाइक करें या तो डिसलाइक करें कोई बात नहीं, लेकिन यह है आपका अगर कोई रिमार्क्स है तो आप कमेंट में जरूर दीजिएगा, और उस कमेंट का आधार कर हम आगे अगर पिछला वीडियो में कोई कमी हो या तो क्या टॉपिक का डिमांड है उसी हिसाब से हम आगे वीडियो डालेंगे। हमारा मेन जो चैनल का ये है एम है गोल है वो वीविंग रिलेटेड है। तो आपको भी सबको बता दिए थे कि दो तीन जो वीडियो बाकी रह गया है उसके ऊपर डिस्क्राइब करने के बाद हम लूम के वीडियो के ऊपर आ जाएंगे, और ज़्यादा दूर नहीं है लूम सेट की जो टॉपिक है, तो 2-3-4 वीडियो मैक्सिमम रहेगा मेरे हिसाब से, हो सकता है एक आधा भी बढ़ जाए कोई बात नहीं, पर हमारा जो बेसिक चीज़ है वो हम क्लियर करते जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो स्पिनिंग का कैलकुलेशन के ऊपर है, यान कैलकुलेशन में भी आता है, और वीविंग के टॉपिक जब यान रिलेटेड है तो यान का जो कैलकुलेशन या तो स्ट्रेंथ उसके ऊपर जानकारी होना जरूरी है, इस चीज़ को सोच के आज का ये वीडियो है। तो सभी लोग हमारे चैनल फिर एक बार स्वागत करते, क्योंकि हम अभी पूरा टोटल जो हेडिंग दिया हूँ उसके ऊपर जाने वाले हैं। हाँ, और ये वीडियो आपको कृपया रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो लोग स्किप करके देख रहे हैं उसको स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिए ताकि हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। अगर किसी का कुछ प्रॉब्लम है या तो कन्फ्यूजन है या नया लड़के हैं उनको अगर कोई समझ में नहीं आता है तो वो ज़रूर कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, चलते हैं डायरेक्ट हमारे जो सब्जेक्ट है CSP ऑफ यान। तो CSP ऑफ यान या तो यान स्ट्रेंथ, पहले हम यान स्ट्रेंथ को डिस्क्राइब करके फिर एंड में आएंगे CSP ऑफ यान। जो CSP होता है एक मतलब टर्म है जो हमारे यान स्ट्रेंथ को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, तो CSP का अगर पहले नहीं तो उसका डेफिनेशन लिख दे रहे हैं, डेफिनेशन ऑफ CSP इज ए टेक्निकल टर्म यूजेस फॉर एक्सप्रेसिंग यान स्ट्रेंथ। तो CSP का जो डेफिनेशन है, CSP इज ए टेक्निकल टर्म यूजेस फॉर एक्सप्रेसिंग यान स्ट्रेंथ इन CSP वी नो हाउ मोर और लेस स्ट्रेंथ
क्या लिखा मैंने, इन सी एस पी वी नो हाउ मोर और लेस स्ट्रेंथ इज यान ऑफ सेम काउंट व्हाइल वी कंपेयर डिफरेंट क्वालिटी डिफरेंट क्वालिटी ऑफ यान ऑफ सेम काउंट. थोड़ा लंबा लिख दिया क्या मैंने, इसमें सारा चीज आ गया. पहले तो लिखा सी एस पी इज ए टेक्निकल टर्म यूजेस फॉर एक्सप्रेसिंग यान स्ट्रेंथ और इन सी एस पी वी नो हाउ मोर और लेस स्ट्रेंथ इज यान ऑफ सेम काउंट व्हाइल वी कंपेयर डिफरेंट क्वालिटी ऑफ यान ऑफ सेम काउंट. ठीक है, तो यान स्ट्रेंथ क्या है, यान कितना मजबूत है, तो उसको थोड़ा हिंदी में आपको दिखा दे रहा है. सी एस पी ऑफ यान और यान स्ट्रेंथ, सी एस पी इज ए टेक्निकल टर्म, एक वर्ड होता है यूज करते हैं हम, टेक्निकल टर्म यूज होता है फॉर एक्सप्रेसिंग यान स्ट्रेंथ. यान स्ट्रेंथ को हम एक्सप्रेस जब करते हैं ना तो उसका एक टर्म यूज करते हैं सी एस पी. ठीक है, यही लिखा हूँ मैंने. फिर बाद में क्या लिखा, इन सी एस पी वी नो हाउ मोर और लेस स्ट्रेंथ इज यान ऑफ सेम काउंट. तो सी एस पी में हमें क्या पता लगेगा, जो धागा होता है यान होता है वो कितना मजबूत है, स्ट्रेंथ मतलब कितना ज़्यादा मजबूत है कम है, स्ट्रेंथ में मामले में वो कितना क्या है, मोर ज़्यादा है या तो कम है, स्ट्रेंथ ज़्यादा है या स्ट्रेंथ कम है, वो पता लगेगा अगर धागा का काउंट सेम रहेगा. पर कब कंपेयर करें, जब हम व्हाइल वी कंपेयर डिफरेंट क्वालिटी ऑफ यान ऑफ सेम काउंट. सेम काउंट का धागा होगा पर डिफरेंट क्वालिटी के, डिफरेंट क्वालिटी में भी उसमें मिक्सिंग का अलग अलग हो सकता है, कंपनी का अलग अलग हो सकता है, लॉट का अलग अलग हो सकता है. ठीक है, तो वही चीज़ों का जब कंपेयर करेंगे सेम काउंट में, काउंट भले ही सेम रहेगा लेकिन उसका मिक्सिंग के वजह से उसका स्ट्रेंथ में कम ज़्यादा हो सकता है. उस चीज़ को हम जब एक एक्सप्रेस करेंगे तब हमारा जो टर्म यूज होगी वो होगी सी एस पी. तो सी एस पी के ऊपर एक और पॉइंट भी लिख देंगे, थोड़ा यहाँ पे भी लिख देता हूँ. सी एस पी का फुल फॉर्म, सी एस पी फुल फॉर्म इज काउंट स्ट्रेंथ, एस टी आर ई एन जी टी एच, स्ट्रेंथ प्रोडक्ट. तो सी एस पी का जो फुल फॉर्म, तो फुल फॉर्म ऑफ सी एस पी इज काउंट स्ट्रेंथ प्रोडक्ट. सी फॉर काउंट, एस फॉर स्ट्रेंथ, पी फॉर प्रोडक्ट, काउंट स्ट्रेंथ प्रोडक्ट. या इसका अर्थ है काउंट मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेंथ, और हियर स्ट्रेंथ इज इन पाउंड्स. अगर स्ट्रेंथ पाउंड्स में है और काउंट धागे का दिया गया है और स्ट्रेंथ हम धागे का निकालना है, उसके बाद जो मल्टीप्लाई करेंगे काउंट के साथ स्ट्रेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो वैल्यू निकलेगा वो होगा सी एस पी ऑफ दैट यान. ठीक है, तो आप लोग को रिपीट करूं फिर भी कर लेता हूं. तो यान स्ट्रेंथ को हम जब कोई भी चीज़ का एक स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ होता है यानी कि उसको हम कितना लोड अप्लाई करें या तो कितना फोर्स उसको देंगे ताकि वो उसके जो होता है उसको ब्रेक हुए, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी इसके ऊपर आ जाता है. जब उसको हम खींचेंगे एक चीज़ को, धागे को हम खींचेंगे अपने ओर, या तो उसको दूसरे एंड से उसको उस तरफ खींचे या तो अपने इस साइड से इस तरफ खींचे, कहीं भी साइड से उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया जाए, अगर वो कहाँ किस कितना फोर्स अप्लाई करने के बाद वो ब्रेक होता है, वो होता है यान स्ट्रेंथ. फिर वही यान स्ट्रेंथ को हम पाउंड्स में यूनिट रखेंगे, पाउंड्स और काउंट में जब मल्टीप्लाई कर देंगे वो हो जाएगा सी एस पी. और जो धागे का सी एस पी ज़्यादा है वो होगा ज़्यादा अच्छा क्वालिटी, या तो उसमें ब्रेकेज कम आएगी. जो सी एस पी का ये सी एस पी कम है जो धागे के, उसमें क्या है ब्रेकेज ज़्यादा आने का संभावना है. तो सी एस पी वही है, तो मैं ये चीज़ लिखा हूँ आप लोड कर दीजिए. सी एस पी इज ए टेक्निकल टर्म यूजेस फॉर एक्सपीरियंसिंग यान स्ट्रेंथ. इन सी एस पी वी नो हाउ मोर और लेस स्ट्रेंथ इज यान ऑफ सेम काउंट व्हाइल वी कंपेयर. कब, जब डिफरेंट क्वालिटी ऑफ यान
अब सेम काउंट, सेम काउंट का जब धागे का हम क्वालिटी के हिसाब से कंपेयर करें, मान लो एक कंपनी का माल आया, दूसरी कंपनी का माल आया, तीसरी कंपनी का माल आया, तीन चार अलग अलग कंपनी का माल है, पर काउंट है मान के चलो वही एक ही काउंट, सेम काउंट, पर उसमें स्ट्रेंथ के हिसाब से वो स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो उसमें कुछ हो सकता है स्पिनिंग में, मिक्सिंग में, या तो उसमें जो कॉटन का जो क्वालिटी लिया गया है तो वो थोड़ा बेटर क्वालिटी होगा, तो सीएसपी ज़्यादा यानी कि उसका जो कॉस्ट रहेगा धागे का वो भी ज़्यादा होगा। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। अभी सीएसपी का एडवांटेज पढ़ेंगे। सीएसपी में अगर सीएसपी का एडवांटेज यानी कि सीएसपी में हमें फ़ायदा क्या क्या होता है, सीएसपी में क्या फ़र्क पड़ता है डिपार्टमेंट को, तो वो चीज़ क्या कर देता हूँ। इफ सीएसपी इज हाई इन यान देन ब्रेकेज रेट जो होता है, ब्रेकेज रेट कम हो जाता है, ब्रेकेज रेट विल बी लो इन इन प्रोडक्शन लाइन, प्रोडक्शन लाइन। क्या मैंने लिखा, अगर सी एस पी हाई हो, इफ सी एस पी इज हाई इन यान, इफ सी एस पी अगर हाई होगा धागे की, देन ब्रेकेज रेट विल बी लो, ब्रेकेज कम होगी, धागा का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। सी एस पी का मान के चलो कि स्ट्रेंथ से रिलेटेड ही है, स्ट्रेंथ अगर ज़्यादा होगा ब्रेकेज कम होगी, तो देन ब्रेकेज रेट विल बी लो इन प्रोडक्शन लाइन, ये यानी कि ब्रेकेज रेट लो होगा, कम रहेगा। अगर ब्रेकेज रेट कम होगी तो क्या होगा, एफिशिएंसी विल इंप्रूव, इफ यान सीएसपी इज बे इज ए हाई, वही चीज को मैं लिख दिया, एफिशिएंसी विल इंप्रूव इफ यान सीएसपी इज हाई। तो अगर सीएसपी ज़्यादा होगा तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, सीएसपी अगर कम होगा तो ब्रेकेज बढ़ेगा ना, सीएसपी अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो ब्रेकेज क्या होगा, कम होगा, ब्रेकेज कम होने से यानी कि मशीन चलता रहेगा नॉन स्टॉप, तो एफिशिएंसी उसमें आएगी। तीसरा पॉइंट क्या है, अगर सीएसपी ज़्यादा है तो क्या है, जो धागे का वो नॉट्स लगते हैं हर एक प्रोसेस में, ऑटो कॉर्नर में हो गया, वार्पिंग में हो गया, फिर लूम में हो गया, गांठ्स कम होगी तो कपड़े का जो क्वालिटी है क्वालिटी इंप्रूव होगा, तो सी एस पी अफेक्ट क्वालिटी ऑफ द मटेरियल, सी एस पी इंप्रूव फैब्रिक, चल ही नहीं रहा यार, फैब्रिक ड्यूरेबिलिटी क्या हो गया, फैब्रिक ड्यूरेबिलिटी एंड अपीयरेंस, अपीयरेंस ये बढ़िया चला। अभी देखो सीएसपी इंप्रूव फैब्रिक ड्यूरेबिलिटी, अगर यार्न स्ट्रेंथ हुआ तो फैब्रिक का जो स्ट्रेंथ वो भी बढ़ेगा, अगर वो फैब्रिक का स्ट्रेंथ बढ़ गया तो हम एक कपड़े को हम ज़्यादा दिन तक यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो टियर उसके स्ट्रेंथ बढ़ गया, उसका टेयरिंग होने का चांसेस कम रहता है। सी एस पी इम्प्रूव फैब्रिक ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेशन बढ़ेगी, लॉन्ग लास्टिंग जाएगी, और अपीयरेंस, अपीयरेंस भी अच्छा आएगा जब उसमें नॉट्स कम लगेगी। तो दूसरा बात क्या है, वर्कर की रिटेंशन, वर्कर्स रिटेंशन टेंशन विल इम्प्रूव। क्या लिखा मैंने, वर्कर का जो रिटेंशन होता है वो विल इम्प्रूव, अगर ब्रेकेज कम हुआ तो वर्कर लोगों को अच्छा लगेगा, उनको मतलब मेहनत कम होगी तो वो उनको रेगुलर ड्यूटी आने में जो बिना बताए छुट्टी कर देते हैं तो एब्सेंटेज रहता है वो कम हो जाते हैं, और उनको क्या मन लगता है काम करने में भी, चलो हमारे जो यान क्वालिटी अच्छा हुआ तो हमें ज़्यादा मेहनत ही नहीं करना पड़ा, बस इनको जो डेली का काम रहता है, डेली का रूटीन का, जैसे कि कपड़ा चेक करना से लेके बाकी हर चीज़ का साफ़ सफाई से लेके, उनको डेली ड्यूटी आने को कोई
टेंशन नहीं रहेगी। अगर ब्रेकेज ज़्यादा होगा उनको फालतू में पर मेहनत लगेगी और क्वालिटी भी नहीं बनेगी, कपड़ा प्रोडक्शन भी कम होगा। इसलिए ब्रेक CSP अच्छा रहेगा तो वर्कर जो रिटेंशन होता है, वर्कर का एब्सेंट मारना बिना बताए, या तो कम पढ़ना, या तो कोई छुट्टी में चले जाना, ये सारे चीज़ क्या है इसमें इम्प्रूव होता है। वर्कर ड्यूटी आने को भी मन लगा के ड्यूटी करते हैं और आते भी हैं रेगुलर। और पाँच नंबर पॉइंट क्या हो सकता है, CSP हो गया, बैकेज रेट कम होगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, कपड़े का ड्यूरेबिलिटी बढ़ेगी, अपीयरेंस बढ़ेगी, वर्कर्स का रिटेंशन जो है परसेंटेज वो कम होगी, और रेगुलर मतलब रिटेंशन जो है वो कम हो गया, यानी कि वो एक रेगुलर ड्यूटी आते रहेंगे, मतलब उनको मन लगा के काम करेंगे, ठीक है। और CSP अगर बढ़िया दे रहे हैं, CSP अगर बढ़िया दे रहे हैं, हम मान लो जहाँ मान लो एक लूम साइड है 50 लूम है, वहाँ पे अगर 6 वीवर में काम चल जाता है, ब्रेकेज होने के कारण हमें क्या करना पड़ता है, 2 वीवर एक्स्ट्रा डालना पड़ता है ताकि वो बराबर करके चलाएं और एफिशिएंसी आए, प्रोडक्शन आए। तो अगर CSP ज़्यादा होगा, वी मैंने मिनिमाइज क्या कर सकते हैं, मैन पावर वाइल यान CSP इज बेटर। क्या करें, अगर CSP अच्छा हुआ, ब्रेकेज कम हुआ, 50 लूम पे जहाँ 6 वीवर लगते थे वहाँ पे 4 वीवर में भी काम चला सकते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर 1 वीवर को 8 लूम भी चलाना पड़ता है, अगर ब्रेकेज ज़्यादा हुआ तो 8 लूम चलाने को उसको थोड़ा परेशानी होगी, उसके लिए हम क्या सोचेंगे कि चलो ब्रेकेज ज़्यादा है 2 कारीगर ज़्यादा लगा दें। लेकिन ब्रेकेज कम होने से क्या है, मशीन अपना आप चलता रहेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, ब्रेकेज कम होगी, तो उसमें क्या है, 1 आदमी कम रहेंगे 2 आदमी कम रहेंगे तो भी काम चल जाएगा। तो एक ये मोटा मोटी 5 पॉइंट मैं CSP के ऊपर लिखा हूँ, और भी पॉइंट निकल सकता है अगर CSP आपका, हाँ एक पॉइंट और भी हो सकता है, CSP अगर क्या है अच्छा क्वालिटी का CSP आया तो हम लूम का RPM भी क्या कर सकते हैं, ज़्यादा ले सकते हैं। RPM अगर मान लो 850 चल रहा है, हमारा अच्छा क्वालिटी का धागा आ गया तो उसको हम 950 तक बढ़ा भी सकते हैं, एक यानी कि RPM बढ़ा तो प्रोडक्शन अपने आप बढ़ेगा। तो यही है कुछ पॉइंट हम ऐसे मन का निकाला था CSP ऑफ यान, तो यान स्ट्रेंथ में क्या है, तो इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। अभी CSP कैसे निकालते हैं वो चीज़ को डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए।